बाबरी किसको जिताना है? मोदी जी को जिताना है, नित्यानंद राय जी को। सामने एक और पहलवान है आलोक मेहता है, वो अपने जगह पर नित्यानंद राय को वोट दें। हम लोगों को मोदी जी से अच्छा कोई पीएम आजादी के बाद आज तक मिला ही नहीं, इसलिए मोदी जी को हाथ को मजबूत करना। गारंटी नहीं चलती है, निश्चित गारंटी है, जब तक मोदी है तब तक गारंटी। हाँ, हम नरेंद्र मोदी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे नरेंद्र मोदी हो सकते हैं? हमारे मोदी जी कहते हैं कि जो हमारा पोता है सब मोदी है। क्या बात कर रहे हैं चाचा, कहाँ जाता है? गरीबों के मसीहा है। गरीबों के मसीहा नहीं है, वो डकैतों के मसीहा। नहीं, अब तो लालू तेजस्वी की आंखें चल रही है। अरे वो चोर पार्टी है। चोर पार्टी? हाँ। अरे पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है तेजस्वी? नहीं। अरे वो मुख्यमंत्री बनकर क्या करेगा? लाइफ खराब करवा दिए तेजस्वी यादव के पिता। अरे भाई बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, हम लोगों का लाइफ खराब करवा दिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आपको मालूम है कि बिहार की 40 लोकसभा सीट में से एक सीट है उजियारपुर की सीट। आपको मालूम है कि इस बार उजियारपुर की लड़ाई काफी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं नित्यानंद राय, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं आलोक मेहता। और देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा इस वक्त उजियारपुर में मौजूद है। और आपको बता दें कि उजियारपुर में हम महादेव चौक में मौजूद हैं और मेरे साथ यहां पर उजियारपुर की जनता भी मौजूद है। तो आइए फिर उजियारपुर की जनता से जानते हैं कि इस बार उजियारपुर की जनता क्या मूड बना रही है, इस बार उजियारपुर की जनता किसके साथ है, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार चौधरी। अच्छा नवीन जी, सबसे पहले तो ये बताइए माहौल क्या है इस वक्त? माहौल पूरा ठीक है। पूरा ठीक है? तो अबरी किसको जिताना है? मोदी जी को जिताना है, नित्यानंद राय जी को। अच्छा, मतलब कि मोदी जी को देखकर कह रहे हैं नित्यानंद राय जी को जिताना है। अच्छा, ये बताइए कि नित्यानंद राय ने काम उम किया है कि नहीं? हाँ किए हैं। काम किए हैं? हाँ किए हैं। जीतने के बाद भेंट मुलाकात करते हैं कि नहीं? हाँ बराबर करते हैं। बराबर करते हैं, भूलते नहीं है जनता को? नहीं नहीं भूल रहे। लग रहा है कि हैट्रिक लगा देंगे अबरी? लग तो रहा है कि हैट्रिक लगा देंगे। चाचा नाम क्या हुआ? श्याम किशोर भारती। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो क्या सोचिएगा, मन में कौन सा मुद्दा लेकर जाइएगा अभी वोट डालने? वोट डालना है, मुद्दा क्या रहा है? वोट डालना, वोट डालना है तो कुछ सोच के ना दीजिएगा वोट कि भाई हम वोट दे रहे हैं। विकास करते हैं, उनको वोट देना फर्ज है हम लोग। किनको? किनको? जी जी, नित्यानंद राय को वोट। नित्यानंद राय को वोट दीजिएगा। सामने एक और पहलवान है आलोक मेहता है, वो अपने जगह पर नित्यानंद राय को वोट देंगे। वो अपने जगह पर हैं लेकिन आपके मन में नित्यानंद राय? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए मन का बात बता दिए, आपका नाम क्या हुआ? पारसनाथ चौधरी। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं अभी, किसको जिताना है उजियारपुर से? हम लोगों को मोदी जी से अच्छा कोई पीएम आजादी के बाद आज तक मिला ही नहीं, इसलिए मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, उनके जैसा विकास पुत्र आज तक कोई 75-76 वर्ष आजादी का बीत गया, पीएम उनसे अच्छा आज तक कोई मिला ही नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का जादू खत्म हो गया। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, फीका पड़ गया है। जी नहीं, जी नहीं, गारंटी नहीं चलती है। निश्चित गारंटी है, जब तक मोदी है तब तक गारंटी है। जब तक मोदी है तब तक गारंटी है। नाम क्या हुआ? इंद्र कमल। अच्छा इंद्र जी, युवा हैं आप, एक बात एकदम सच्चाई से बताइए लाइव सिटीज के कैमरे पर कि इस बार युवाओं ने क्या ठाना है? युवाओं ने ठाना है मोदी जी को जिताना है और नित्यानंद राय, नित्यानंद राय के द्वारा मोदी जी का हाथ मजबूत करना। अच्छा, नित्यानंद राय जी के द्वारा मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, लेकिन कहा तो ये जाता है कि युवाओं के मन में तेजस्वी बसते हैं। अरे कहने के लिए तो नीतीश जी सब कुछ किए हैं, अपना मुखौटा के रूप में वो कह रहे हैं। मुखौटा के रूप में तेजस्वी कह रहे हैं? तब मुखौटे का सारा भार तो नीतीश जी मुख्यमंत्री। लेकिन लेकिन एक बात बताइए, आपने घोषणा पत्र भी तो देखा होगा ना कि राजद ने जो घोषणा पत्र जारी किया? हम घोषणा पत्र जारी करेंगे तो उस पर उतर पाएंगे तब ना। 17 महीने तो काम भी करके दिखा दिया। 17 महीना नीतीश जी के अंदर किए हैं वो। अपन कह रहे हैं कि दिमाग कौन दिया, बताया कौन? चाचा तो कहते थे कि कहां से लाएगा। चाचा को उनको पहचानने में बहुत दूर, दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है? लग रहा है कि उजियारपुर में इस बार निकल जाएंगे, जीत जाएंगे। 4 लाख वोटों से? 4 लाख वोटों से? समझ में आ रहा है कितना जीरो होता है 4 लाख?
4,05,000 5,00 होता है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार चौधरी। क्या लग रहा है अभी चौधरी जी, क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो बताइए मुद्दा क्या है इस बार? विकास मुद्दा है। विकास को देख रहे हैं, विकास को देख रहे हैं, तो फिर क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने जा रहा है? नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जीतने जा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि आलोक मेहता हारने वाले? हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंके हुए हैं आप, कह रहे हैं हार जाएंगे? यहाँ फाइनल है, नित्यानंद राय की जीत निश्चित है। फुल एंड फाइनल? हाँ हाँ फाइनल है। उनके पास तो नेता ही नहीं था। नेता नहीं था? पूर्वत विधायक है यहाँ का, और नेता नहीं रहने के कारण मजबूरन में उनको दिया गया है टिकट। क्या बात कर रहे हैं, बात नेता ही नहीं था? नेता तो नहीं था यहाँ से। वो भी लड़ना चाह रहे हो? लड़ना चाहे तो मजबूरन लड़ा रहे हैं। मजबूरन लड़ा रहे हैं? विधायक रहते उनको फिर संसद टिकट क्यों दिया गया? कार्यकर्ता नहीं था? और कार्यकर्ता नहीं था? याद है ना कि बीजेपी ने भी ऐसा ही प्रयोग किया था, वो भूल गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कहाँ हुआ? प्रयोग तो हुआ था। नहीं ऐसा यहाँ तो नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तो हम लोग बिहार का है, तो बिहार का। बिहार का है? चिराग जी का। अच्छा, चिराग जी का नारा, नाम क्या है? राजेश कुमार चौधरी। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है उजियारपुर? नित्यानंद राय जी। जोश नहीं दिख रहा है आप में, आप कह रहे हैं नित्यानंद राय जोश जीतेंगे? नित्यानंद राय मोदी मैजिक है, राष्ट्र हित के लिए। आप क्या जोश दिख रहा है? राष्ट्र हित के लिए मतदान होगा, हम देश के प्रति मतदान करेंगे। अच्छा? हम यहाँ कोई भी आएगा, हम नरेंद्र मोदी हैं यहाँ के, कोई भी। आप नरेंद्र मोदी हैं यहाँ? हाँ हम नरेंद्र मोदी हैं। क्या बात कर रहे हैं, आप कैसे नरेंद्र मोदी हो सकते हैं? हमारे मोदी जी कहते हैं कि जो हमारा वोटर है सब मोदी है, हम मोदी के परिवार के सदस्य हैं, हम आरजेडी वाले नहीं हैं। हम किसी पार्टी से मोदी वाले हैं? मोदी वाले भी, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम देश हित के लिए। आप ही मोदी हैं ना? हाँ, तो मोदी का तो हम वैसे ही सब मोदी है। हम देश हित के लिए जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। लोग कहते हैं कहाँ काम उम किए हैं जी? सर धरातल पे जाके देखेगा, कह रहा है कि मोदी मैजिक है, ये नहीं है, जाके देखिए ना। 2013 से पहले मैम, अब 2013 से पहले भारत की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? हमारे देश में कहीं पूछने वाला कोई नहीं था। अच्छा। हमारे 2013 में माननीय मनमोहन सिंह जी अमेरिका गए थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा। उनको और जब हमारे मोदी जी काम किए कि नहीं किए हैं? बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा काम, बहुत सारा। जो हमारा 370 धारा था, आज तक हमारा हिंदू भाई जो जम्मू कश्मीर में बसने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, आज वहाँ 370 धारा हट गया है। अच्छा। वहाँ पंडित का पूछ हो रहा है जी, जी, जी। और हमारे मतलब कि सब कुछ दिमाग में बैठा दिए हैं कि क्या क्या काम हुआ है, बहुत सारा हिसाब किताब जनता ने देखिए अभी से लगा लिया है, पूरा लगा लिया है, पूरा लगा लिया। मोदी जी काम किए हैं तब न हिसाब किताब है। मोदी जी काम नहीं करेंगे तो हिसाब कहाँ से देंगे आप? आलोक मेहता के बारे में क्या है? आलोक मेहता हमारे यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, और 2010 में यहाँ जब ये उजियारपुर जब अस्तित्व में 2008 में आया था, उससे पहले यहाँ हमारे आलोक कुमार मेहता जी उजियारपुर समस्तीपुर से सांसद हुआ करते थे, उनका एक भी वोट आज तक हमारे संसदीय क्षेत्र में यदि आप दिखा दीजिए तो हम गुलामी खटेंगे। और जो चलिए चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम राजकिशोर शाह। क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है, फतेह कौन कर रहा है उजियारपुर? मेरा मोदी जी दो हाँ। फिर तिवारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा मोदी जी, मेरा क्योंकि मोदी का मैं परिवार हूँ। अच्छा, मोदी जी के परिवार हैं आप? जी परिवार है। तो मोदी जी जानते भी हैं अपने परिवार को? 140 करोड़ अपने परिवार को जानते हैं मोदी जी? जी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, यानी कि पूरा, यानी कि सुबह जल से लेके खाना तक, भोजन तक, सारा चीज, सारा व्यवस्था किए आवास तक, और कोई भी बिजली हम लोग के यहाँ 1 घंटा रहता था, अभी 24 घंटा रहता है। क्या बात करें, 24 घंटा बिजली रहती है जी। अच्छा ये बताइए, चलिए आपने तो बता दिया कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, नित्यानंद राय ने काम किया है? 491 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवाए हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि इसमें 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो मतलब काम किए हैं 491 किलोमीटर, और उसके और बाद क्या क्या काम हुआ है? मेडिकल कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। हाँ। हमारे उजियारपुर में भी बगल में अति बावर गिरी। चलिए चलिए, क्या नाम है आपका? कमल किशोर। क्या लग रहा है कमल जी, इस बार क्या ठाना है आप लोगों ने, किसको जिताना है? मोदी जी को जिताने के लिए नित्यानंद राय को वोट देना है। मोदी जी को जिताने के लिए नित्यानंद राय को वोट देना है? मतलब अगर नित्यानंद राय की जगह कोई और भी होता तो आप उसको? क्यों, नित्यानंद राय ने काम नहीं किया है क्या अपने? कोई भी जो रहेगा सांसद करेगा ही ना, जो उसका काम है वो तो करना ही है।
तो फिर ये क्यों नहीं कहा कि नित्यानंद राय जी को देखकर जो है हम वोट डाल रहे हैं? नहीं, नित्यानंद राय जी को देख करके वोट नहीं डाले, मोदी जी को देख करके। नित्यानंद मोदी जी को देख कर? हाँ, मोदी जी को देख के देख। अच्छा, तो नित्यानंद राय में दम है कि नहीं? नित्यानंद राय में भी दम है। दम है? हाँ। अच्छे अच्छे पहलवान है? अच्छे पहलवान है। लेकिन ये बताइए, उनका सामना भी एक अच्छे पहलवान से हो रहा है, आलोक मेहता से हो रहा है सामना, लेकिन उसका उसके पीठ पर अच्छा नहीं ना। अच्छा, मतलब कि लालू तेजस्वी अच्छे नहीं है? अच्छे नहीं। क्या बात कर रहे हैं चाचा, कहा जाता है गरीबों के मसीहा है लालू? गरीबों के मसीहा नहीं है, वो डकैतों के मसीहा। लालू जी डकैतों के मसीहा? जी, डकैतों के। बेटे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव चोर के? तेजस्वी यादव चोरों के? चोरों के मसीहा है वो लालू जी डकैत। इतना इतना बमके हुए क्यों है लालू? कहे होना नहीं है, इतना बमके हुए क्यों है? इतना बमकेंगे? बमकेंगे जी। क्या नाम हुआ? जगदीश चौधरी। लेकिन आप लोग तो तजुर्बेकार लोग हैं, लगातार देख रहे हैं माहौल क्या है इस बार उजियारपुर का। बीजेपी मोदी लहर है? मोदी लहर है? लोग तो कह रहे हैं मोदी लहर है, कहाँ फीकी पड़ गई है? नहीं, अब तो लालू तेजस्वी की आंधी चल। अरे वो चोर पार्टी है। चोर पार्टी? हाँ, लालू तेजस्वी पटवारा में, पटवारा डिहली में लड़का का अपहरण हुआ था, लालू का डेरा पर वो लड़का खेल रहा था। लालू के उसे चोर पार्टी को काहे वोट देंगे? बीजेपी को वोट मिलेगा मोदी या नित्यानंद? सुने नहीं है कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं कि बीजेपी बड़का छुट्टा? अरे पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है तेजस्वी? नहीं। अरे वो मुख्यमंत्री बनकर क्या करेगा? लेकिन देखा ना कि जब वो का पार्टी है सब डकैती चोरी करवाता है। डिप्टी सीएम बने तो कितना काम किए थे चाचा? क्यों इतनी नौकरी दिए तेजस्वी यादव? तेजस्वी को नौकरी नहीं दिया है, दस्तखत चला है नीतीश का। नीतीश का दस्तखत चला है? क्या नाम हुआ? तो इतने बमके हुए हैं, इतना बमके हुए हैं? ठीक है, बमके हुए। क्या बात हो गया, इतना नाराज क्यों है? नाराज का नाराज क्यों है? देखिए, जो हम लोगों का सब कुछ देता है, पैसा देता है, राशन देता है, हर चीज देता है ना नरेंद्र मोदी, तो हम उसको नहीं देंगे। मिलता है? हाँ, मिलता है, खाता में पैसा आता है? हाँ, आता है सब। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। आवास मिला? हाँ। तो क्या बात कर रहे, सब मिल गया? मतलब चाचा आपके अच्छे दिन तो आ गए? तब हम उन्हीं को वोट देंगे, हम दूसरे को वोट नहीं। उन्हीं को वोट दीजिएगा। सब मिलता है ना चाचा? हाँ हाँ, एकदम मिलता है, एकदम मिलता है। हाँ, एकदम खुश हैं? एकदम खुश। मतलब कि इस बार मन बना लिए कि नित्यानंद राय जी को जिताना है? जब से खड़ा हुए हैं ना, तब से हम लोग उन्हीं को देते हैं, उन्हीं को देते हैं। गुजरात से आए थे ना, तो पहले मीटिंग किए थे मुजफ्फरपुर में, जानते होंगे चाहे जो यहाँ का लोग हैं। तो मुझे उसमें हम लोग यहाँ से गाड़ी से गए थे मुजफ्फरपुर, समझे? तो वहाँ उस दिन से हम लोग प्रतिज्ञा ले लिए, प्रतिज्ञा ले लिए थे कि हर बार जब जब खड़े होंगे उजियारपुर से उन्हीं को जिताएंगे। हाँ, उन्हीं को। हम इतना इसमें क्या है ऐसा? एकदम सही आदमी है, सही आदमी है। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा। ठीक है। और हम मोदी जी को वोट इसलिए करते हैं कि राष्ट्र हित में बात करते हैं, राष्ट्र हित में बात करते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं। अच्छा। पूरे देशवासी के लिए, सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, और सबका विकास वो करके। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। हमने 1993 सिर्फ और सिर्फ लड़वाते हैं। मैडम जी एक मिनट। हम 1993 में मैट्रिक पास किए थे, और पढ़ने की हमको इच्छा थी, लेकिन उस टाइम उनका इस बिहार का ऐसा माहौल था जो हमको यहाँ बिहार छोड़ के पंजाब में काम करने के लिए, बिहार छोड़ के पंजाब जाना, जी पंजाब जाना पड़ेगा, नहीं तो आज हम भी सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयड होते। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे, लाइफ खराब करवा दिए तेजस्वी यादव के पिता। अरे भाई, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, हम लोगों का लाइफ खराब करवा दिए। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके लाइफ को, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिए। जी जी, आप बदला लीजिएगा। बदला वोट से लेंगे, बदला वोट से लेंगे। देखिए, उंगली दिखाकर बता दिया है कि इस बार जनता बदला लेगी, और बदला किस बात का लेगी और इस बार किसको जिताएगी ये भी बता दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।